संगोष्ठी सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जो 21, 22 और 23 को महाविद्यालय में होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में के सोशियोलॉजी विभाग की गोल्डन जुबली 1973 से 2023 तक के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जो 21, 22 और 23 को महाविद्यालय में होगा और इसका विषय इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है। ये सेमिनार की एक विशेषता ये है कि यह हाइब्रिड मोड पर होगा, जो इसमें पार्टिसिपेंट लगभग हमारे पास 700 प्रतिभागियों की ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं, यानी उनकी ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं वो और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब इसकी पृष्ठभूमि में अगर मैं जाऊं तो सोशियोलॉजी विभाग के हमारे LD सोनी जी और हमारे जो इस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं और डॉक्टर अनिल दादीज, इनके अथक प्रयासों से मीनू वॉल्टर मैडम हैं, हमने जो है इसमें सारे काम समय पे संपादित किया है। उसके चीफ पैट्रन हमारे कमिश्नर श्री सुनील शर्मा साहब हैं और इसके अतिरिक्त हमारी महाविद्यालय की एक पूरी कमेटी है जो इसको इस काम की क्रियान्विति कर रहे हैं और सेमिनार को मैं आशा है कि पूरी सफलता मिलेगी। और कल से ही ये सेमिनार जो आयोजित हो रहा है इसमें सभी भागीदारी जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ आकर अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। और चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हालांकि इनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से संबंधित है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर विशेषतः मंथन किया जाएगा और विभिन्न विशेषज्ञ आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे डॉक्टर अनिल शुक्रा जी जो वाइस चांसलर हैं MDS यूनिवर्सिटी के, मुख्य वक्ता रहेंगी प्रोफेसर आभा चौहान जो अध्यक्ष हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की, और इसके अतिरिक्त हमारे बाहर से भी विदेश से भी हमारे कई साथी जो आ रहे हैं, स्कॉलर्स आ रहे हैं जो इस संबंध में अपनी चर्चा करेंगे। और इसके जो भी हमारे पास मैटर आएगा इसका सेमिनार का, उसकी हम कोशिश ये रहेगी कि इसको एक कंपाइल करके एक किताब के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। 21 से 23 सितंबर 2023 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कराने जा रहे हैं राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के बैनर के तहत, जिसका आयोजक डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी अपना गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है। और इस कॉन्फ्रेंस में, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग 18 से 20 यूनिवर्सिटी के लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और उसमें वो अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। बाहर के लगभग 10 देशों के लोग भी इसमें जुड़े हैं जो ऑनलाइन अपनी बात को रखना चाहेंगे कि कैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी का समाज पर क्या प्रभाव है इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसकी थीम हमने रखी है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का समाज पर क्या प्रभाव है, क्या अच्छे प्रभाव है और क्या बुरे प्रभाव है, जो बुरे प्रभाव है उससे बचने के लिए हम समीक्षा करेंगे कि इन प्रभावों से को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज के हित में कैसे अधिकतम हो सकता है, इसको जानने का प्रयास भी इन 3 दिनों में विभिन्न विद्वान मिलकर ऑनलाइन और ऑफलाइन करेंगे। उस समीक्षा के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे, उस निष्कर्ष के आधार पर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो संबंधित विभाग या जो भी हमसे डिमांड करेगा उनको हम देंगे ताकि उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इसमें कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें लगभग राजस्थान के अलावा
सात आठ राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि अब वो मुझे लगता है लगभग हम 15 राज्यों के जुड़ जाएंगे, 10 से अधिक देशों के लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड, बहुत सारे देशों से अलग अलग विद्वान साथी जुड़े हुए हैं। कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो PhD स्कॉलर है वो आ भी चुके हैं आज सुबह ही, और वो कल कॉन्फ्रेंस में अपनी सहभागिता देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमने उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी भी उनके लिए अवसर खोल रखा है, और जैसे ही वो अपना रिसर्च पेपर हमें सबमिट करेंगे हम उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे जी। इसमें कौन चीफ गेस्ट रहेंगे? इसमें कल उद्घाटन समारोह के चीफ गेस्ट है अपने अनिल शुक्ला साहब, जो कुलपति है MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के, और मुख्य वक्ता के रूप में मैडम आभा चौहान है, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की हमारी प्रेसिडेंट भी है और प्रोफेसर है हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में। मैं प्रोफेसर लीलाधर सोनी समाजशास्त्र विभाग में हूँ और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस के लिए हूँ।